पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष वर्षा कौशिक ने महिला मोर्चा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई, तो वहीं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए भी कहा गया। मुरादाबाद पहुंच भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष वर्षा कौशिक ने कहा कि अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो महिला सशक्तिकरण को भी एक्टिव होना होगा। साथ ही कहा कि आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी संगठन की महिला कार्यकर्तियों से विचार विमर्श किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। क्षेत्रीय अध्यक्ष वर्षा कौशिक बैठक की मुख्य अतिथि रही। आयोजित बैठक में बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित ने की और संचालन मदालसा शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों का भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की महानगर संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता भी मौजूद रही, जिनका स्वागत फूल मालाएं पहनाकर और पटका पहनाकर किया गया। Smart Sound. मुख्य रूप से तो हमारी अध्यक्षा जी के साथ में और इनकी टीम के साथ में नीचे मंडल स्तर तक की परिचय है और एक प्रवास के दौरान एक इंट्रैक्शन हो जाए, क्योंकि काम के नाते हम हमेशा मिलते हैं, तो एक ये अनौपचारिक रूप से आज मेरा प्रवास। हाँ, इसके अलावा किस तरह की उम्मीदें रहती हैं जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि आगामी चुनाव भी है और महिलाओं की एक अहम भूमिका रहती है इस चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे इस देश के चुनाव में या इस राज्य के या किसी भी राज्य के चुनाव में महिलाएं 50% वोटर के रूप में हैं, तो उस नाते महिला मोर्चे की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आने वाले चुनाव में या पिछले चुनाव में महिलाओं का जो योगदान रहा है, चाहे वो वोटर्स के रूप में रहा हो या वोट डलवाने के लिए जो भाजपा की कार्यकर्ता हैं, चाहे वो महिला मोर्चे की हो, चाहे वो अन्य मेन बॉडी या अन्य हमारे प्रकोष्ठ प्रकल्प विभागों में काम करने वाली महिलाएं हो, निश्चित तौर पर इन महिलाओं ने जिस मेहनत के साथ में योगी जी को पुनर्स्थापित करने के लिए काम किया है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से प्रदेश को और प्रदेश के माध्यम से क्षेत्र को और जिलों को बहुत बधाई मिली है। और निश्चित तौर पे आने वाले 2024 के चुनाव में वही योगदान और वही भूमिका महिलाओं की रहने वाली है, और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरे तरीके से तत्पर है। और इस नाते हम सभी लोगों की राष्ट्रीय महिला मोर्चा हो, प्रदेश महिला मोर्चा हो, क्षेत्रीय और जिले के मोर्चे हैं, सब लोग नेतृत्व संभालने वाली महिलाओं को तैयार कर रहा है। इन प्रवासों के माध्यम से हम उस पर भी काम कर रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।